हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? हम लोग ठीक है। आप सबकी दुआएं चाहिए और बहुत सी दुआओं के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। सलाम करो। अब ज्यादा टाइम नायरा आप लोगों को पढ़ती भी नजर आएगी। हाँ, क्योंकि माशाल्लाह से नायरा के हो गए पेपर स्टार्ट और मेरे भी पेपर ही स्टार्ट है, पेपर ही दे रहे हैं। जड़ी हालत हुई हुई है यार, अंदर आवाज बहुत ज्यादा, बाहर आ जाता हूँ। चलें जी, तो आज की रूटीन आपसे शेयर करते हैं, घर में क्या क्या काम है, क्या क्या करना है, ठीक है ना? वैसे पकाना क्या है? पकाना कोफ्ते पड़े हैं, चावल भी पड़े हैं। चलो जरा निकालो, आ जाओ किचन में देखते हैं। अच्छा जी, तो मैं दिखाने आया था, ये देखिए आज पके हैं कोफ्ते और हिना ने डाले हैं कोफ्तों में अंडे। हमारे कोफ्ते थे कम तो हमने इसमें, कोफ्ते सिर्फ चार थे तो हिना ने साथ में ना दो अंडे डाले हैं ना। अभी थोड़ा सा सालन पकेगा ना। हाथ तो हटाओ जरा यार, या वाओ यम्मी लग रहे हैं। और है ना, मेरा ख्याल है मैं बाहर का इन लोगों को मौसम भी सबको दिखा दो। ये देखिए नायरा रो रही है, नायरा पकड़ी गई। नायरा इधर देखो वीडियो। आप क्यों तंग कर रहे हो, क्यों तंग कर रहे हो उसे? ड्रामे नहीं कर, उसे नहीं तंग कर बेटा, वो रो रही है यार। नायरा जाओ मम्मा पास जाओ। मम्मा ने अच्छा डेकोरेट करके दिया है ना, अब बैठ जाओ। मैं आपके घर आता हूँ। ये क्या है, ये बताओ क्या है? कमोड भी है। और इसका मुंह कहाँ है आपकी डॉल का, इसका फेस कहाँ? कहाँ से बैल होती थी, बैल भी थी पीछे। करो बैल, कहाँ कूद रहे हो यार? हाँ मम्मा करो। ये तो आप गिर जाओगे जान। रियान का घर तो बहुत अच्छा डेकोरेट हो गया, सेल वीक हो गए। वाओ, कौन आया है? ये मेहमान बना। आ जाए अंदर, इधर से आ जाए। कैसे आओगे आप? इधर से आओगे? रियान साइड टेबल पे खड़े हैं, आप गिर जाएंगे। सबर, आए मेहमान बैठ जाए। ये मेरा घर गिरा दिया आपने। हाँ, दलदले से गिर गया। आज हम जो आए हैं वो आए हैं सब्जी लेने, क्योंकि मैंने आसिफ को कहा है, आसिफ का बीपी जो है ना वो एक तो बीपी तो खैर अब कंट्रोल में है, वैसे ही कह सकते हैं ना जो गर्मी हो जाती है मैदे में, एक तो मेडिसिन की वजह से भी, ऊपर से वैसे भी बीपी की वजह से भी। तो मैंने आसिफ को कहा है मुझे कद्दू ला दें, मैं आपको कद्दू का यम्मी सा रायता बना के देती हूँ, आप लोगों से भी शेयर करूँगी, कल बनाऊंगी इंशाल्लाह, ताकि पता नहीं अभी खाएंगे कल। तो कद्दू का रायता इतने मज़े का बनता है ना कि दोपहर में गर्मियों में आप रोटी के साथ खाएं तो और कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, बहुत बेस्ट है आपकी खाना कद्दू का, खीरे का बहुत अच्छा बनता है। मैं आप लोगों से भी शेयर करूँगी और बना के दिया करूँगी आसिफ को भी। ये देखिए, तो जला लो, आंधी आ गई है, उसके डब्बे उड़ गए, उसके डब्बे उड़ गए और लाइट पूरे एरिया में जो है ना वो ब्लैक आउट हो चुका है यार। वो ऐसे ही होता है, अंधेरी है। मुझे ना बस ये टेंशन लगी है, मेरे किचन की खिड़की ये देखो सामने हाल क्या है अंधेरी, ये देखो लाइट बंद करता हूँ, बिल्कुल ऐसे है जैसे जंगल में खड़े हुए हैं। ये देखें हाल अच्छा, इधर शीशे बंद है फिर भी मट्टी के जर्रात जो गाड़ी में नजर आ रहे हैं फ्लैश लाइट ऑन। अभी जो है ना आप लोगों को मैं दिखा नहीं सक रही हूँ सही से, हालात देखें आप। कुछ नहीं है रियान और आसिफ अंदर गए हैं, पता नहीं आपको आवाज़ें भी आ रही होंगी। सुनाओ आज कैसा तूफान आया, आई तो डर गए हैं वो। जरा ऊंचा बोलो आप लोगों की आवाज़। ये देखें जी 10:15 हो गए हैं और आज जब से ये अंधेरी और तूफान का हाल हुआ है लाइट गई हुई, ये हमारी एक लाइट और फैन चल रहा है यूपीएस पे, और यूपीएस भी तकरीबन 30-40% रह गई है, एक लाइट अच्छा ये किचन की भी जल रही है, समझ नहीं आ रही बाहर बिल्कुल अंधेरा, वरना मैं आपको दिखाता ज़रूर। आज इतना को ख़तरनाक तूफान आया, कुछ नज़र नहीं आ रहा था, बल्कि आपने वीडियो तेना ने वीडियो बनाई थी ना गाड़ी में, गाड़ी को देखो तो सही क्या हुआ है, लाइट आ जाती है फिर देखते हैं बाहर, वो यूपीएस पे नहीं है, अभी जाके देखते हैं, जरा लाइट आ जाए ना फिर चल के देखते हैं। ये क्या है,
क्या हुआ? गिर गया ना तूफान आने से कैसे गिर गया? आप कहती थी ना वो जलजला है, आ गया जलजला, ये वहाँ से गिरा। कैसे गिरा? वो भी गिरने वाला है यार, शुक्र है पर्दा वो खोली थी खिड़की, मैंने कहा चलो हवा आएगी, वो जरा सा पर्दा है। अच्छा, वो रॉड से अटका हुआ था ये, है ना? और ये देखो मट्टी मट्टी भी आ गई अंदर, और ये शुक्र करो मेरे सर पे लगना था। वही मैं कह रही हूँ, शुक्र है लगा नहीं है। यार गाड़ी तो जरा देख, अब पूरे घर की नई तफसीरत सफाई होने वाली है। पता नहीं कहाँ पे लगा है गाड़ी में, आवाज बड़ी बुरी आई थी आसिफ। हटो ना आगे से, देखने तो दो, खुद तो आगे खड़ी होगी गाड़ी के नायरा। बस जो भी है ये है कि बचत हो गई। यहाँ पे डेंट पड़ा हुआ है, ये डेंट पड़ा हुआ है, उसमें नजर आ रहा है। ज्ञान हटना पीछे हो ना, पता नहीं इधर ही लग रहा था पीछे। आप हटो ना उस साइड पे, देखो ये लगा है। हाँ, इस साइड पे मैं ये कहने लगी थी कि इस साइड पे लगा है, ये लगा है यहाँ पे, यहाँ पे ऐसा लग रहा था, पता नहीं ये लगा है, ये भी नहीं था पहले। हटो बेटा, वो बकायदा आके ना वो टकराए दो तीन जगह, मेरा ख्याल लाइने ही है। वो लकड़ी का पीस था, कोई पत्थर था, क्या था पहले नहीं थी, डेंट भी उतर पड़ा हुआ, पता नहीं इन दोनों में से क्यों। ये शुक्र है ज्यादा लॉस नहीं हुआ, और ये शुक्र है कि उस पे नहीं लगा आके। और लाइट हमारी गुल है, लाइट गुल है, बादल की आवाज आई। अब तो नहीं उड़ी मट्टी ये सारा, कल मैंने दरवाजा भी धोया था, सब किया था, गैराज धोया था। आजकल हालात जरा हो जाने जरा ध्यान। हाँ ये देखें कितनी मट्टी मट्टी हुई, कल ही मैंने सारा ये दरवाजा भी धोया था, गैराज भी, और आए दिन आंधी आ जाती। क्या हुआ है? कुछ नहीं, मैं तो ये सोच रही हूँ अगर लाइट ना आई तो यूपीएस ने आखिर बंद ही होना है, ये ना हो ना कोई तार शार टूट गई हो, जिस तरह आंधी आई। जैसे अभी भी बाहर तूफान आ रहा है, तेज हवा चल रही है, बादल आए हुए, पता नहीं अब लाइट आती भी है कि नहीं। उच्ची बोल, स्कूल भी है सुबह और लाइट भी नहीं है, और आंधी आ गई है, और घर मिट्टी और मट्टी हो गया है, और मैं बहुत परेशान। और ये शुक्र है कि गाड़ी की बचत हो गई है। वहाँ नहीं उनके आया था से वो राबियास फैमिली, राबियास लाइफ जो है, राबियास लाइफ, बिल्कुल उनका हमने देखा था, और उनको इतना नुकसान हुआ है ना बेचारों का, बस अल्लाह करम करे, उनका काफी ज्यादा लॉस हुआ है। उनका छह प्लेटें टूटी है उनकी, सोलर प्लेट सिर्फ उनकी नहीं, पूरे आसपास के गांव में भी बहुत हुआ। हाँ, दरख्त गिरे हैं, और जैसे आज लाहौर में आया, मैं यकीन माने मुझे यही लग रहा है, ये तो सुबह खबरों में पता चलेगा क्या हुआ है, नुकसान हुआ ही होगा कोई। इतना कि हम वीडियो थोड़ी सी मैंने बनाई है, उतना ज्यादा था कि वीडियो बन नहीं रही थी, कुछ नजर ही नहीं आ रहा था, बस मट्टी मट्टी उड़ रही थी। अल्लाह का शुक्र है कि बस अभी हम तो सेफ है, लेकिन जिनका नुकसान हुआ है हाउस उड़ना है अभी, फिर हमें झूले मिलने। झूले तू कार ना उड़ा तेरी मेहरबानी, बाद चो पता लगे। किचन की खिड़की खुली रह गई थी और हम बाहर थे, और किचन ऐसे मट्टी मट्टी था ना सारा। ये आवाज बल्कि पीछे बातों की आवाज, उस पीछे आवाज आ ही रही होगी, खिड़की दरवाजे अभी भी खड़क रहे हैं। हाँ, खिड़कियां खड़क रही हैं। ये क्या हुआ? अच्छा 11 बजे वो अलार्म बजे, वो जरा अलार्म बंद करना। यार क्या हालात है, मुझे नहीं लगता अब लाइट समझ आ रही, लाइट मुझे नहीं लगता आनी है, क्योंकि रात के टाइम देखो, और हम यही सोच रहे हैं कि किसी टाइम भी यूपीएस अगर बंद हो गया तो बच्चे कैसे सोएंगे। यार यूपीएस तो अभी नहीं होता बंद, अगर पंखा चला रहे हैं तो फिर भी एक दो घंटे और चल जाएगा। यार अब यूपीएस का भी कसूर नहीं है, चार घंटे तो चल चुका है, तो पेपर भी है ना, अजीब ही सिचुएशन। अब क्या किया जाए, अभी हम यही करते हैं, लेट जाते हैं, जितनी देर यूपीएस चलता है बच्चों को सुलाते हैं, फिर देखते हैं अल्लाह का लाइट आ जाए। नायरा ऐसे करो, अंदर लेट जाओ, सब लाइटें ऑफ कर दो, एक फैन हल्का सा चला लो, हल्का सा चलाओगे लोड नहीं ले रहा, मैंने देखा है स्लो चलाती हो ना, अगर यार स्लो चला लो, गुजारा ही करना है। वॉशरूम और खिड़की का दरवाजा वो खोल दो, खिड़की का दरवाजा खोल दो, खिड़की का खिड़की खोल दो, ठीक है, हल्का सा फैन चला लो, बाहर तो तूफान की तरह है ना, हवा तो ठंडी है, चलो तो कम से कम ये तो हो जाएगा कि बच्चे सोने के काबिल हो जाएंगे। अब सोचो, ड्रामे ना कर, हूं तेन गर्मी लगन लग गई, लेट सुबह पेपर है आपका बेटा, एसी में भी जो है ना स्वेटिंग हो रही होती है। हाँ एसी में भी ऊपर नहीं लेते कुछ भी है। और ये देखिए ये क्या कर रहा है बेटा क्या कर रहे हो हैं? इसने ये तो मैंने सही किया था, इसने उधेड़ दिया उसको, पता नहीं क्या किया है।
इसलिए वो कह रहे इसे वापस डाल रहा हूँ, कॉटन निकाल दे उसे। रियान छोड़ दो इसे यार, खराब कर रहे हो ये। आप लोगों से लेते हैं इजाजत, बच्चों को सुलाते हैं, और बस यही दुआ है कि अजीब भी सिचुएशन है, मुल्की हालात तो हैं ही अजीब से, ऊपर से ये अब नहीं जो कभी यहाँ कुछ आंधी तूफान आने, कभी कुछ हो रहे हैं। अच्छा पूरे पाकिस्तान में जगह जगह आंधी तूफान आ रहे हैं, कल उनके वहाँ पे, एक मिनट बेटा, कल उनके वहाँ पे इतना कुछ हो गया, आ यहाँ पे आया पता नहीं, अभी तक दोबारा रुक गया था, दोबारा से फिर स्टार्ट हो गया। हाँ वही आवाजें फिर शुरू हो गई, वैसे तूफान शुरू हो गया। अपना बहुत सारा ख्याल रखियेगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, नए और नवे आने वाले सब्सक्राइब भी कर लो, तुहाडी बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू। अपना बहुत सारा ख्याल रखियेगा, कल मिलेंगे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, ओके टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।